जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 को लेकर एक बहुत ही बड़ी और अच्छी अपडेट आप लोगों के लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे की तरफ से बहुत बड़े बदलाव इस बार आरपीएफ कॉन्स्टेबल और आरपीएफ एसआई में किए जा रहे हैं, और इसको लेकर नोटिस भी रेलवे की तरफ से जारी हो चुका है। और बिल्कुल आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो रही है। किन किन बदलावों के साथ में इस बार आप लोगों को आरपीएफ कॉन्स्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी इस बार आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, इसको लेकर यहां पर आरपीएफ की तरफ से एक और नया नोटिस जारी हो चुका है। बिल्कुल कौन कौन से अभ्यर्थी इस बार आरपीएफ कॉन्स्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आरपीएफ की और आरपीएफ सब दोनों की वैकेंसी आप लोगों की रहने वाली है। चार जोनों में अलग अलग आप लोगों की वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाली है। तो बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या बड़ा बदलाव इस बार आरपीएफ की भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है और मिशन मोड चल रहा है। और बिल्कुल इसी साल आप लोगों का इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इस रिक्रूटमेंट का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप इस रिक्रूटमेंट के लिए इलिजिबल है या नहीं, क्या आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, बिल्कुल इसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने काफी ज्यादा इंतजार किया है और इतने इंतजार के बाद में आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट आ रहा है। मतलब 4 से 5 साल आप लोगों ने इंतजार किया था। बिल्कुल सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल आप सभी को आयु में छूट भी यहाँ पर मिलने वाली है, हाइट में भी छूट मिलेगी। बिल्कुल सभी का सभी प्रोसेस है वो आपको डिटेल से मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दो नोटिस है जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। और पहला बदलाव यही किया गया है कि रेलवे ने इतने दिन जो आरपीएफ पोस्टेबल और आरपीएसएफ का जो रिक्रूटमेंट होता था उसका प्रोसेस है वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाती थी, लेकिन इस बार ये सारा का सारा जिम्मा है ये रेलवे बोर्ड को दे दिया गया है। मतलब इस बार आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा वो रेलवे बोर्ड करवाएगा, जबकि फिजिकल वाला प्रोसेस है वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाने वाली है। ये नया अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया है, नया चेंजेज यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल इस नोटिस में आप लोगों को देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस रिक्रूटमेंट के लिए कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट आएगा वो अलग अलग जोन वाइज आएगा, जिसमें टोटल 4 ग्रुपों में आप लोगों को विभाजित किया जाएगा। ग्रुप फर्स्ट में आपका नॉर्थ जोन आएगा, एनडब्ल्यूआर आएगा, एनसीआर, एनईआर और आरपीएसएफ को शामिल किया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है आरपीएसएफ है वो रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्सेज है, स्पेशल फोर्सेज है, जो कि ऑल ओवर इंडिया मूवमेंट करती रहती है और ये वैकेंसी ऑल इंडिया ही आती है। तो सभी जोनों में आरपीएसएफ की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जोनों को शामिल किया गया है, आप किसी एक ही जोन से इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल ये नोटिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम पे जाके आप एक बार सर्च कर लेना बेस्ट एग्जाम भाई बाबू भोजी और पूरा डिटेल से इस नोटिफिकेशन आपको आप ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और किस प्रकार आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर रेलवे की तरफ से काफी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इलिजिबिलिटी, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन। अगर आप 10th पास है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, 10th में चाहे कितने भी आपके परसेंट हो, आप केवल क्वालिफाई है, आपकी मार्कशीट में अगर पास लिखा गया है तो बिल्कुल आप रेलवे में कॉन्स्टेबल के पद पर अप्लाई कर सकते हैं और इस बार भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं एज की बात करता हूं तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की आयु में छूट मिलेगी। साथ ही 3 साल की आपको कोविड वाली भी छूट इस बार आप लोगों को मिलने वाली है, तो सभी कैटेगरीज को मिलेगी, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरीज को 3 साल की एक्स्ट्रा आयु में छूट भी आप लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपकी हाइट कम है और अगर आप फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आरपीएफ बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए। क्यों, अगर आपकी हाइट, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी आप रेलवे में भर्ती हो सकते हैं। आरपीएफ कॉन्स्टेबल के पद पर और आपका चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए, वही एससी एसटी वालों की हाइट 160 है और हिल एरिया वालों की 163 है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं।
अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, किस किस प्रकार आप लोग इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ले सकते हैं, पूरा नोटिस में आपको डिटेल से बता देता हूं। और सारी की सारी जानकारी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने काफी इंतजार किया है। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आए हुए हैं और इन सभी रिक्रूटमेंट में आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के बेसिस पे होगा। और आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म स्पेशल फोर्सेज के जो ऑफिशियली जो आप लोगों के जो रिक्रूटमेंट आते हैं उनका पूरा का पूरा कोर्सेज आप लोगों के लेके आता है, जो कि बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आप लोगों के लिए। और अभी आप लोगों को पता है एसएससी जीडी का नया रिक्रूटमेंट आ रहा, बड़ा वो बम्पर, और नया बैच ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है। बिल्कुल जीरो से अगर आपको पढ़ना है आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आज सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टायर सीरीज मिलेगा, संडे टू संडे लाइव टेस्ट मिलेगा। उसके साथ ही एसएससी ट्रेडमैन और ड्राइवर का वर्दी बैच शुरू हो चुका है, पिछले बैच का अभी रिजल्ट आया था, प्रेरी और न्यू प्रेरी बैच चलाया था उसका, बिल्कुल अभी मेडिकल चल रहा है। 1500 से ज्यादा बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करते हैं तो आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वही से एकदम ट्रेडमैन के लिए AK-47 बैच और दिल्ली पुलिस MTS के लिए राजधानी बैच शुरू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह कि अभी सभी कोर्सों पर 60% की छूट का ऑफर चल रहा है। बिल्कुल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 60% की छूट का जो कोर्स आपको 999 रुपए मिल रहा था, वही कोर्स अब आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है आज रात 12 बजे तक। ये ऊपर आप लोगों के लिए सर का बढ़ाया गया है, तो बिल्कुल आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट रहता है बिल्कुल 24 आवर्स इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। और बच्चों यही बैच आपका RPF में भी काम आएगा, वही बैच आपका दिल्ली पुलिस MTS में भी आएगा, SSB ट्रेडमैन, SSC GD, एक ही बैच से आप तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। हम डायरेक्टली मैं नोटिस पे लेके चलता हूं आपको, यहां पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका होगा यहाँ पर PT और PHT करवाया जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं तो 1600 मीटर रेस होती है जिसमें 5 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर आर्मी के बाद में अगर फिजिकल की बात करें तो RPF का फिजिकल काफी अच्छे लेवल का होता है और एक ही टाइम में आपको ये रनिंग क्वालिफाई करनी पड़ती है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप की बात करता हूं तो 3 फीट 9 इंच का हाई जंप होगा, जिसमें फीमेल के लिए 9 फीट होगी और 2 चांस यहां पर आपको दिया जाएगा। कई भर्तियों में आपको 3 चांस मिलते हैं लेकिन रेलवे केवल 2 ही चांस आपको देता है। लॉन्ग जंप की बात करता हूं 14 फीट का होगा, फीमेल के लिए 9 फीट का होगा और यहां पर भी आपको 2 चांस यहां पर आपको दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आपका फिजिकल ये होता है और फिजिकल में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उन सभी का यहां पर मेडिकल और DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपकी जो कट ऑफ बनती है वो जोन वाइज बनती है, कई जोनों की कट ऑफ हाई देखने को मिल जाती है, कई जोनों की कट ऑफ कम देखने को मिल जाती है। और जिस भी जोन से अगर आप अप्लाई करते हैं, जिस भी जोन से आप सिलेक्शन लेते हैं उसी जोन में आपको बिल्कुल आपकी नौकरी करनी पड़ेगी, आपको RPF के पद पर वही और उसी जोन में आपको नौकरी करनी पड़ती है। बिल्कुल इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा, तैयारियां शुरू हो चुकी है रेलवे की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा काम यह था कि रेलवे इस रिक्रूटमेंट को रेलवे बोर्ड को दे दिया है कि इसका रिटर्न का एग्जाम का प्रोसेस है वो रेलवे बोर्ड कराएगा और बाकी का जो प्रोसेस होगा फिजिकल मेडिकल DV का वो सारा का सारा प्रोसेस है वो RPF खुद कंडक्ट करवाने वाली है। तो बिल्कुल सभी बच्चे तैयारी में जुट जाओ क्योंकि ये मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा, 2024 में चुनाव होना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी रिक्रूटमेंट रुके हुए हैं सभी आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 2024 में चुनाव है और चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया सरकार को यह दिखाना है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। तो RPF के इस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों के सामने होने वाला है। दोस्तों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।